अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं घर के अंदर, और मेरा रूम तो शादी के दौरान ऐसा बना हुआ था ना जैसे कोई कबाड़ खाना होता है ना। एक्चुअली मेरा जो रूम है ना वो पब्लिक रूम है, और हर बंदा आकर अपना सामान मेरे रूम में रख रहा था। तो मेरा रूम ना शादी के दौरान बना हुआ था पब्लिक रूम, और अभी हम लोग सारे के सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो गाइस, मैं आपको बताऊँ, मेरा जो घर है वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा लाउंज है हम लोगों का। तो वहीं पर आकर हमने भाई भाभी को बिठाया था, और हमारे साथ जो बराती वापस आए थे ना वो सब लोग अभी इस लाउंज के अंदर हैं, और बहुत ही कंजेस्टेड जगह हो रही थी, बट सब लोग घुसे हुए थे क्योंकि अभी हम लोगों ने करनी है भाई की रस्तारुकाई की रस्म। तो देखें, मेरी कज़न जिसको मैंने कैमरा पकड़ाया हुआ था व्लॉगिंग करने के लिए, उसको भी सही से एंगल व्लॉग करने के लिए नहीं मिल रहा था। तो शादी के घरों में ये सब होता रहता है। एनीवेज, तो अब यहाँ पर मुज़ाकरात स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं थाल लेके खड़ी हुई हूँ अपनी भाभी का इस्तकबाल करने के लिए, और साथ में हम लोग ना पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे ना क्या कन्वर्सेशन हुई है हम लोगों की। बहुत ही मज़ा आया था, बहुत फ़नी कन्वर्सेशन है, और शोर बहुत है। तो मैं आपको पूरा तो वीडियो क्लिप नहीं दिखाऊंगी, बट मैं कुछ साउंड्स आपको सुनाती हूँ। अच्छा, होती तो ये 101% बहनों की रस्म है, बट यहाँ पे मेरे कजिन सभी इतना पंगा करेंगे ना कि आप लोग वीडियो में देखें। नहीं 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 भाई, अच्छा यहाँ पर जो अब्बू सेंटर में खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े हुए कि अपने बेटे को फुल रेस्क्यू कर रहे थे। और यहाँ पे आपको मेरा नजर आ रहा होगा कज़न का बेटा जिसने भाई की सेज बनाई थी, तो वो भाई को ना शातिर मशवरे दे रहा था। यहाँ पे तो हम लोगों की डिमांड थी 10,000 की, और भाई चाह रहा था कि 5,000 दे दें। 10,000 को लेना, एक 1,000 का नोट एक 10 का भाई, लड़कों को निकालो, लड़कों को क्या बात है, हम लड़के की रकम है, ये 10 रुपए पकड़े 1,000 रुपए और दे दे। क्या किसकी रसम है? तुम्हारा भाई लड़कियों के रसम, मैं तो लड़की हूँ, देखो मेरे नाच चलन भी लड़के वाले। तो यहाँ पर आप हरकतें चेक करें भाई साहब की, कि पैसों की खातिर लड़की बनने को तैयार हो गए कि मुझे भी पैसे चाहिए, मैं तो लड़की हूँ, मेरा चाल चलन लड़कियों वाला है। क्या सीरियस, बहुत हंसी आ रही है मुझे एडिट करते हुए। आंटी आंटी, मेरे 2,000 अलग कर दो, बाकी खैर मेरे 2 अलग कर दो, बाकी सही से बात करता हूँ। सब छीन लेंगे, रखो अंदर, रखो छीन लेंगे। अरे उस्मान में फाइनली काफ़ी बहसों तकरार के बाद हम लोग भाई से 10,000 रुपये लेने में कामयाब हो गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई अब्बू, क्योंकि वो बीच में आ गए थे और उन्होंने आसानी से हम लोगों को 10,000 रुपये दिलवा दिए। और अब यहाँ पर बच्चे देखे, मेरे हाथ में जो थाल था ना वहाँ से फूल ले लेकर ना इन्होंने भाई और भाभी पर वहीं पर उड़ा दिए सारे के सारे। और यहाँ पर मेरा कज़न फुल कोशिश कर रहा है, उसके साथ जितने इसके पार्टनर थे सब कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी हिस्सेदार बनाया जाए, बट ऐसा कोई सी नहीं था। यहाँ पर देखे अभी सारे मुझसे बोलेंगे आप ही 10,000 को ना 20 में डिवाइड करें, मैंने कहा 0 आएगा और कुछ भी तुम लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों की रस्म में फिर सारे पैसे हम लोगों ने रखे थे। बाय द वे टिल डेट वो अभी तक डिवाइड भी नहीं हुए, वो सब अभी डिवाइड होंगे, आधे लोगों को तो हो चुके हैं लेकिन आधे लोगों को नहीं हुए, तो वो भी अभी मुझे डिवाइड करना है बाय द वे इस व्लॉग को एडिट करने के बाद। सो अभी हम लोग भाभी को लेकर चले जाएंगे रूम के अंदर, क्योंकि रस्म हो चुकी थी, पैसे हम लोगों को मिल चुके थे। और अब देखिए सारे के सारे ना भाई के पीछे पड़ जाएंगे, उस्मान भाई हमें भी दें हमें भी दें। एक्चुअली मेरी शादी में इन लोगों ने पैसे लिए थे, लड़कों ने मेरे हस्बैंड से, तो ये लोग समझ रहे थे कि अभी भी हमें मिलेंगे, बट इस बार हम लोगों ने इन्हें पैसे नहीं लेने दिए। एनीवेज, तो चलें भाभी को रूम में लेके चलते हैं। रूम में लेकर जाने से पहले मैं आप लोगों को उनके रूम का ना फाइनल लुक दिखाती हूँ आफ्टर डेकोरेशन। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से रूम लग रहा था।
था, तो पहले आप लोग वो देखें और फिर हम लोग लेके चलेंगे भाभी को अंदर। सो गाइस, ये वाली वीडियो क्लिप में इतना ज़्यादा साउंड है, इतना ज़्यादा शोर है कि मुझे इसका जो साउंड है वो म्यूट करना पड़ रहा है। और जो शादी के व्लॉग है वहाँ पे अक्सर मैंने वॉइस ओवर इसलिए क्योंकि सब ने जो है ना वो हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था, तो वो किसी की भी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं सारे क्लिप्स पे जो है ना वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। चलो वेलकम होम, खराब कर सकते हैं आपको भाई देवी। ये सारी वीडियो क्लिप्स जो है वो मेरे हस्बैंड के फ़ोन से रिकॉर्ड हुए हैं, इसीलिए वीडियो का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा खास नहीं है। ऑल्दो मेरे कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, तो मैं सारे ब्लॉग उसी से करती हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो आ जाती हैं। और दूसरा ये कि अभी घर में लाइटिंग का भी प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हम लोगों ने भाई की शादी से चंद दिन पहले ही शिफ्टिंग की थी, और इतना ज़्यादा बिजी थे कि हम लोगों को प्रॉपर अभी घर का काम करने का मौका भी सही तरीके से नहीं मिला था। शादी की तैयारियों में इतने ज़्यादा बिजी थे हम लोग। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया, और ये सारी वीडियो मेरी कज़न बना रही है, इसीलिए आपको वीडियो बहुत ज़्यादा शेकिंग लग रही होंगी, क्योंकि वो इतनी प्रोफेशनल नहीं है, उसको व्लॉग्स करने का पता नहीं है। तो मैंने उसकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुमने शादी में जो है वो सारे व्लॉग्स मेरे रिकॉर्ड करने, तो बस चले अभी यहाँ पर भाभी का लहंगा वगैरह सेट करते हैं और उनको अच्छे से हम बेड पर बिठा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी वो भी, इतना भारी उनका लहंगा था उनके वजन से, उनको खुद से भारी उनका लहंगा है। नहीं पीछे से ही फुल देसी माहौल, ठीक है। देखो ये कोई कांस्टेंट पोज है, ठीक करो ना, देखो कैसे उठा रहा है, ठीक है। बोलना मोबाइल मिलेगा तेरा, चलो व्लॉग हो रहा है, मुझे मेरा थोड़ा कट करके मुझे देना, वीडियो बंद कर दो। सो जी, ये है मेरी भाभी के शरारे का फाइनल लुक। आई थिंक कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बट इतना कोई हसीन और खूबसूरत लग रहा था ये शादी वाले दिन, और भाभी भी माशाल्लाह मेरी बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोगों ने भी एक बार माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है शायद, इसलिए आप लोगों को ना इतना ज़्यादा समझ ना आए, बट ये हमने 20 गली का शरारा लिया था, इंडियन काम वाला, और इंडियन काम वाले शरारे आजकल बहुत इन हैं, फैशन में भी हैं। तो बस माशाल्लाह से ये है मेरी भाभी के शरारे का फाइनल लुक। और उस दिन मैंने बस इतना ही व्लॉग किया था, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे अपनी बेटी को भी चेंज करवाना था, खुद भी चेंज करना था। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। और यहाँ पर जी हो चुके हैं गुड मॉर्निंग, बस मैंने यही छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया था नेक्स्ट डे का, क्योंकि अभी आने वाले हैं भाभी के घर वाले नाश्ता लेकर, तो भाभी हम सबको यहाँ पर सलाम करने आई हैं और मेरी बेटी को अपनी गोदी में लेकर बैठी हुई हैं। तो चलिए जी, व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, होप यू गाइस लाइक इट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।